ये भी जान लेते हैं कि इस वक्त यूक्रेन में कितने न्यूक्लियर रिएक्टर वर्किंग कंडीशन में हैं और अगर रेडिएशन लीक हुआ तो फिर इसका नतीजा क्या हो सकता है, कहां तक असर हो सकता है। नंबर वन, सीधे आपको बताया, सबसे पहले इस नक्शे को आप देखें, यहां पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं 5 पॉइंटर्स यहां पर हैं, रिवने, थेमे, लिंस्की 2 रिएक्टर, 4 वहां पर हैं, साउथ यूक्रेन 3 रिएक्टर, ज़ापोरिज्या 6 रिएक्टर, 15 में से 6 रिएक्टर ज़ापोरिज्या में है। यहां पर चेंज करें इसको, यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये यूक्रेन में न्यूक्लियर पावर प्लांट की लोकेशन बता रहा है। इसके मुताबिक ये देखें कुछ 5 है यहां पर, और यहां पर जो आपको ऑब्जर्व करना है वो है ज़ापोरिज्या की जो किलोमीटर की जो दूरी है जर्मनी पोलैंड, ये यहां पर मैं आपको यहां पर ये बताना चाहूंगा, साउथ यूक्रेन में कुल मिलाकर 15 न्यूक्लियर रिएक्टर, लेकिन यहां पर अब इस पॉइंटर को मैं जरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ये समझते हैं कि ज़ापोरिज्या में अगर रेडिएशन होता है तो फिर कितनी तबाही मच सकती है, इसे लेकर एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है अगर रेडिएशन निकली तो फिर इसका असर पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस तक हो सकता है। ज़ापोरिज्या से पोलैंड की दूरी 1500 किलोमीटर है, ज़ापोरिज्या से जर्मनी की दूरी 2130 किलोमीटर है, ज़ापोरिज्या से फ्रांस का डिस्टेंस जो कि यहां पर थोड़ा गलत है मैं आपको ये बताना चाहूंगा 3078, ये जर्मनी नहीं फ्रांस है, यानी 3078 किलोमीटर की दूरी तक रेडिएशन का असर हो सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अगली चीज, अब सवाल है कि रेडिएशन से कितने लोगों की जान को खतरा है। अब चूंकि खुद यूक्रेन के विदेश मंत्री कह चुके हैं कि रेडिएशन लीक होने से यहां चेर्नोबिल से 10 गुना ज्यादा तबाही मचेगी, तो इसका मतलब क्या है ये देखें आप, 50,000 की मौत और चेर्नोबिल हादसा 5,000 की मौत हुई थी, ये आप कंपैरिजन देख सकते हैं कितना खतरनाक हो सकता है। आगे बढ़ते हैं इसको यहां पर अगर लेकर जाएं, एक और चीज जो हमारे सामने है वो ये है कि ज़ापोरिज्या में थैंकफुली सिर्फ एक ही रिएक्टर उस वक्त काम कर रहा था, क्योंकि युद्ध के चलते उन्होंने सारे रिएक्टर्स बंद कर दिए थे, और जिस रिएक्टर पर तबाही मची है या हमला हुआ है वो नॉन फंक्शनल था, लेकिन उससे भी न्यूक्लियर फ्यूल था उसमें। वैसे जिन लोगों को नहीं पता कि रेडिएशन लीक होने से किस तरह की तबाही होती है, कैसे बर्बादी होती है, उन्हें चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट हादसे के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके लिए हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। खौफ दहशत की इन तस्वीरों ने दुनिया को 36 साल पहले हुई मानव इतिहास की सबसे भयानक त्रासदी का रुख करने पर मजबूर कर दिया। वो वक्त जब चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हुआ, वो जगह जहां आने वाले 20,000 साल तक कोई इंसान नहीं रह सकता। इसकी वजह 26 अप्रैल 1986 का वो मनहूस दिन है जब कीव से 130 किलोमीटर दूर चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में दुर्घटना हुई। उस दिन वहां एक टेस्ट होना था। मगर उस दौरान न्यूक्लियर फिशन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। कुछ ही देर में 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए जिससे पूरे वातावरण में रेडियोएक्टिव एलिमेंट फैल गए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1,000 टन से ज्यादा की भारी प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गई। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए। परमाणु छड़े हवा में काफी ऊंचाई तक उछली जिससे पर्यावरण में रेडिएशन फैल गया। ये तबाही का वो मंजर है जिसके बारे में कोई भी सुनता है तो सिहर उठता है। शुरू में तो चेर्नोबिल में 32 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए, लेकिन फिर से ये रेडिएशन पूरे इलाके में फैल गया। बताया जाता है कि जितना रेडिएशन हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से नहीं पैदा हुआ था उससे 400 गुना ज्यादा इससे पैदा हुआ था। हवा के साथ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए। इसका असर नॉर्वे तक देखा गया। रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में तब सोवियत संघ के करीब 5,000 नागरिकों की मौत हो गई। लेकिन कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये यूक्रेन बेलारूस में भी रेडिएशन सिकनेस की वजह से कई लोगों की जान चली गई। इसके अलावा लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ था। साल 2000 में चेर्नोबिल में आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया।
यहां कई सालों से कोई नहीं गया, लेकिन अब यहां रूसी सैनिकों का कब्जा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।